हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं देवेश ऑटो ब्लॉग। आज आप ये सामने देख सकते हैं, ये है मारुति सुजुकी बेलेनो, जो कि अल्फा वेरिएंट रहने वाला है, टॉप वेरिएंट। इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता है बेलेनो का। इसके अंदर न्यू अपडेट्स किए गए हैं। अभी ये महीने दो महीने पहले इसका न्यू फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। इसके जो जेटा वेरिएंट आता है, डेल्टा वेरिएंट आता है और सिग्मा वेरिएंट आता है, उसका वीडियो अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। इस तीनों वेरिएंट के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और ये अल्फा वेरिएंट है जो आप देख सकते हैं सामने। सबसे पहले इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 88 bhp पावर निकालता है और 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके अंदर। की बात करें तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसकी ड्राइव शेप में की दी गई है, जो कि सेम सब मारुति की गाड़ियों में आती है टॉप वेरिएंट में। यहाँ से लॉक, यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं। फ्रंट से बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखती है फ्रंट से। फ्रंट के अंदर इसके अंदर सबसे पहले इसकी हेडलैम्प की बात करें तो इसके अंदर यहाँ से देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं। ये येलो लाइट निकालते हैं। यहाँ पर हैलोजन बल्ब में इसका इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पर 3 LED लाइट्स दी गई है, जो कि ऑलवेज ऑन मोड पर रहती है। और अंदर की साइड थोड़ा ब्लैक कलर में स्मोक में कर दिया, जो कि अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। और नीचे की साइड देख सकते हैं ये आपको फॉग लैम्प मिल जाता है और ये फॉग लैम्प LED फॉग लैम्प दिया गया है। यहाँ पर इसके ऊपर क्रोम की फिनिश दी गई है। ग्रिल की बात करें तो ग्रिल देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी ग्रिल दी गई है। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है। ये क्रोम की फिनिश डेल्टा, जेटा और अल्फा तीनों वेरिएंट में मिलेगी। यहाँ पर बड़ा सा सुजुकी का लोगो और इसके अंदर जो न्यू अपडेट है वो ये है, यहाँ पर 360 कैमरा आ जाता है। फ्रंट में कैमरा दिया गया है, 2 ORVMs पर कैमरा दिया गया है और एक बैक में कैमरा गया है। 4 कैमरे दिए गए हैं इसके अंदर टोटल। यहाँ पर फ्रंट में देख सकते हैं ग्रिल में कंप्रेसर दिया गया है ग्रिल के लिए। ग्रिल कंप्रेसर के आगे ग्रिल दी गई है, जिससे ताकि हवा वगैरह पास हो सके। कोई इसका प्लेट वगैरह कुछ नहीं आती है। अब मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ, इस साइड से कैसी क्या दिखती है गाड़ी। ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इसका साइड का लुक है इसके। ये अलॉय व्हील अपडेट कर दिए गए हैं, पहले इस टाइप के अलॉय व्हील नहीं आते थे, न्यू टाइप के अलॉय व्हील कर दिए, जो कि अच्छे लग रहे हैं। अपोलो के टायर दिए गए हैं इसके अंदर, 195/55 R 16 inches के अंदर, 16 inches के अंदर इसके अंदर टायर दिए गए। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए, रियर में ड्रम ब्रेक्स दिए गए। फेंडर पर कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया। ऑटो एडजस्ट एंड ऑटो फोल्डेबल इसका ORVM मिल जाता है। बॉडी कलर में ORVM दिए गए, वाइट कलर है ये। यहाँ पर इसका देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पर इसके अंदर कैमरा मिल जाता है, 360 कैमरा। डोर लीवर आप देख सकते हैं, डोर हैंडल क्रोम की फिनिश में दिया गया। की सेंसर दिया गया यहाँ पर और अच्छा लगता है जो कि। और ये देख सकते हैं इसका भी रियर का भी, यहाँ पर भी आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है। ए पिलर बी पिलर आपको ब्लैक कलर में दिए गए, कोई बॉडी कलर में नहीं मिलते। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्रोम की फिनिश दी गई है। और एक चीज़ और इसके अंदर जो अपडेट की है, जो इसके ये है विंडो है, आपको इसमें वीडियो में दिखना नहीं होगा, पर ये जो विंडो है थोड़ी ग्रीन कलर में दी गई है, जिसकी जो कि धूप की रोशनी है वो थोड़ी कम आए, अंदर कूलिंग अच्छी रहे। और मैं चलता हूँ इसके रियर साइड में। रियर से भी इसके अंदर चेंजिंग कर दी गई है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। पहले इसके जो टेल लैम्प है वो केवल इधर ही आते थे, कोई बूट पर शिफ्ट नहीं था। इस बार थोड़ा सा बूट पर शिफ्ट कर दिया, पर ये बूट पर केवल डेमो के लिए दिए, ना कुछ जलता है ना कुछ। यहाँ पर ये सेम सेटअप दिया गया है, जो कि बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट में सेम इस तरीके का आता है। यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन मोड पर रहती है। यहाँ पर ये बल्ब दिया गया इंडिकेटर में और ये रिवर्स लाइट दी गई है, ये भी ऑलवेज ऑन मोड पर रहती है। नीचे की साइड रिफ्लेक्टर दिया गया है, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। कैमरा यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर रियर में। और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम की फिनिश दी गई, जो कि अच्छी लगती है। रियर में डिफोगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है और यहाँ पर एंटीना दिया गया है। और इसका ब्रेक लाइट दी गई है और कुछ इस तरीके से इसका स्पॉइलर दिया गया है इसके अंदर, स्पॉइलर मिलता है। अब मैं इसका बूट ओपन कर लेता हूँ। 4 पार्किंग सेंसर देख सकते हैं आप इसके अंदर, रियर में 4 पार्किंग सेंसर है और एडजस्ट पाइप आप नीचे की साइड देख सकते हैं। अब मैं इसका आपको बूट ओपन करने के लिए सबसे पहले गाड़ी को करना पड़ेगा अनलॉक। यहाँ से सेंसर दिया गया है, यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो 318 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। रियर में लैंप भी दिया गया है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इसके लैंप को कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुछ हुक वगैरह दिए गए हैं, पार्सल ट्रे दी गई है रियर में। कुछ इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो अपोलो का टायर दिया गया, ये इसकी साइज है 15 इंच का टायर दिया गया है। नॉर्मल 16 इंच का है, इसमें 15 इंच का दिया गया है। हमें बैठते हैं गाड़ी के अंदर, ड्राइवर साइड क्या दिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ, इधर से कैसी सेम वैसी दिखती है, पर थोड़ी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखती है इधर से, इस साइड से आप। और फ्यूल टैंक की बात करें तो 37 लीटर का फुल टैंक दिया गया है। हम भी बैठता हूँ ड्राइवर साइड, डोर की बात करते हैं। ड्राइवर साइड डोर की बात करें
तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डुअल टोन कलर में दिया गया है, ब्लू एंड ब्लैक कलर में। यहाँ पर सॉफ्ट टच देख सकते हैं, सॉफ्ट टच मिल जाता है। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिया गया, ये हार्ड प्लास्टिक दिया गया ब्लू कलर में। डोर लीवर की बात करें तो ये क्रोम की फिनिश में दिया गया है। चारों पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड विंडो है जो ऑटो अप एंड डाउन मिल जाती है। यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से इसको ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसके ORVM यहाँ से अनफोल्ड फोल्ड कर सकते हैं। ये बोटल होल्डर दिए गए, कुछ स्टोरेज एरिया दिए गए। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं पियानो ब्लैक की फिनिश जो कि अच्छी लगती है। अब इसकी सीट की बात करें तो सीट हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है इस वेरिएंट के अंदर। जेटा और अल्फा दोनों वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। यहाँ पर इसको रिक्लाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फैब्रिक सीट्स दी गई है, थाई सपोर्ट वगैरह सब दिए गए। यहाँ पर कुशनिंग वगैरह अच्छी है, चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। यहाँ से कुछ इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये व्यू दिया गया है, मैं आपको अभी अंदर बताऊंगा। यहाँ पर टेम्परेचर होगा, हब, और ये कुछ इस तरह इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया। मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। अभी मैं इसकी सीट थोड़ी एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे आपको व्यू अच्छा बने। स्टेरिंग की बात करें तो डिकट स्टेरिंग दिया गया, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से इसका डिकट स्टेरिंग दिया। टॉप वेरिएंट में ही इस तरीके का स्टेरिंग मिल जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं क्रोम की फिनिश दी गई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसके क्रूज कंट्रोल दिए गए, यहाँ से रीसेट सेट कर सकते हैं, कैंसिल वगैरह स्पीड पर सेट कर सकते हैं। और ये इसके म्यूजिक के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ अच्छी फिनिश दी गई ग्रे कलर की कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके अंदर लेदर रैप मिल जाता है जो कि अच्छा लगता है। अभी इसका डोर ओपन है, आपको दिखा रहा होगा MID पर। अब मैं इसका करता हूँ इंजन स्टार्ट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका मैंने किया ऑन, कर लेता हूँ इसके एसी का टेम्परेचर थोड़ा ठीक। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पर RPM मीटर दिया गया है, कुछ इसका स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पर ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ। जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, पर इस पर मिरर लग रहा है आगे जो कि अच्छा लगता है। अब ये इसकी स्क्रीन दी गई है, स्क्रीन के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ इसका 360 व्यू कैमरा ऑन करके। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका 360 व्यू कैमरा ऑन है। इसके ORVM फोल्ड थे, अभी इसके ORVM मैंने अनफोल्ड किए, कुछ इस तरीके से इसका 360 व्यू कैमरा शो हो जाता है। इसे ऐसे लगती है गाड़ी। अब मैं इसका रिवर्स गियर लगाता हूँ, तो रिवर्स गियर लगाएंगे तो यहाँ पर पीछे का पूरा शो हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैक की फिनिश दी गई है, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। IRVM ऑटो एडजस्टेबल मिल जाता है। येलो लाइट्स दी गई है। सनवाइजर की बात करें तो इधर की साइड भी मिरर दिया गया है, प्लस लाइट दी गई है, और इसमें भी लाइट प्लस मिरर दोनों दिए गए हैं। क्लाइम कंट्रोल ऑटोमेटिक मिलता ही है। यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं ये जो कि प्रीमियम लगती है, फिर क्रोम की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर हेजल लाइट का बटन दिया गया है। इसके कुछ इस तरीके से इसका स्टोरेज एरिया दिया गया है। यहाँ पर ब्लू की फिनिश, डुअल टोन कलर में इंटर मिलता है, ट्रिपल कलर है वैसे तो। ग्रे की फिनिश तो टच है ओनली, बस माने तो अगर जैसे माना जाए तो ब्लू और ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर दिया गया है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सीट। यहाँ पर दो कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पर इसका चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जिंग, USB पोर्ट दिया गया है, कुछ मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर दो कप होल्डर दिए गए, कुछ इस तरीके से इसका गेयरबॉक्स देगा। 5-speed मैनुअल गियर है। यहाँ पर भी ग्रे की फिनिश दी गई है, और यह क्रोम की फिनिश में यहाँ पर हैंड ब्रेक दिया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्म रेस्ट दिया गया है, इसका भी ठीक है। यहाँ पर इसके देख सकते हैं कुछ तरीके से इसके ग्रैप हैंडल दिए गए हैं। हम कर लेते हैं गाड़ी को थोड़ा आगे, सीट उसको थोड़ा आगे चलते हैं। रियर डोर के साइड, रियर डोर में क्या कुछ दिया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रियर साइड डोर की बात करें तो वही डुअल टोन कलर में, ब्लू एंड ब्लैक कलर में। यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक की फिनिश दी गई, ये विंडो का कंट्रोल दिया गया। यहाँ पर लेदर की फिनिश में सॉफ्ट टच दिया गया, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच। आर्म रेस्ट दिया गया, ये भी क्रोम की फिनिश में दिया गया। यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर बोतल होल्डर, कुछ स्टोरेज एरिया, स्पीकर की प्लेसमेंट, और ये सीटों की कुशनिंग भी ठीक दी गई है। मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। ये देख सकते हैं लेग रूम वगैरह मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है। 5'11" मेरी हाइट है। यहाँ पर रियर में AC वेंट्स दिए गए, ये टाइप ए पोर्ट दिया गया, ये टाइप ए पोर्ट है, ये टाइप सी पोर्ट दिया गया डायरेक्ट, जैसे कि आईफोन वगैरह का आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका रियर से डैशबोर्ड लगता है। रियर में ग्रैप हैंडल दिया गया कुछ इस तरीके से, पार्सल ट्रे। यहाँ पर इसका हेडरेस्ट दिया गया और आर्म रेस्ट नहीं आता। टॉप वेरिएंट होने के बाद में भी आर्म रेस्ट नहीं आता, कई गाड़ियों में बेस वेरिएंट में आर्म रेस्ट आ जाता है, इस गाड़ी में टॉप वेरिएंट में आर्म रेस्ट नहीं आता। कुछ ये थी बैलोनों की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।